एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब सिटी स्कैन सुविधा शुरू। करवा चौथ पर्व पर जहां जिला भर के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाएं अवकाश पर रही, तो वहीं उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने अवकाश के दौरान भी कार्यालय में लोगों की समस्याएं निपटाई। सुबह से लेकर दोपहर तक जो भी फरियादी उनके दरबार पहुंचा, सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने महिलाओं को करवा चौथ पर्व की बधाई दी और कोरोना महामारी से बचने के लिए भी प्रेरित किया। डीसी ने कहा कि जब भी घर से निकलें तो मास्क पहन कर निकलें और ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। मेरा सभी से आज त्योहार के दिन और हमारे सभी आज एक बहुत अच्छा शुभ दिन है, त्योहार का दिन है, अगले हफ्ते दिवाली भी आने वाली है, तो इस समय पे सबके लिए हम मेरे तरफ से हमारे पूरे जिला प्रशासन की ओर से सबसे पहले मैं सबको आज करवा चौथ की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके अलावा आप जैसे कह रहे हैं कि हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इससे लोगों को हम ऑफिस में बैठ के ही सही अगर कुछ हम सेवाएं दे सकते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका होगा अपने त्यौहार को मनाने का। और इसके अलावा मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि त्यौहार हम मनाएं अपने नज़दीकी परिवार जनों के साथ, जो है ये हम खुशियां बांटें और मनाएं, पर अपनी सेहत, अपनी सुरक्षा और अपने परिवार वालों की सुरक्षा, अपने बुजुर्गों की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा हम सबकी प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और इसी तरह से जो है हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन तरह से पहले कुछ महीने जब कोरोना आया था तब रह रहे थे, बट थोड़ा सा शायद हम लोग जो है कहीं कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा या कोई बात नहीं चले जाते हैं या मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या हो गया। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि त्यौहार का मज़ा तभी है जब हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, तो सबसे गुजारिश है कि इस तरह की भावना उनके अपने मन में ना आने दें। लोगों से ये गुजारिश है कि कोरोना जो बीमारी है उस हमें सबको मिलके लड़ना है, उसमें ये सोशल स्टिग्मा हमारे मन में कभी ना आए कि किसी कोई अगर कोरोना ग्रस्त है, किसी कोई संक्रमित है तो उसको हम इस तरह ऐसे नज़रों से देखें कि उसको हम नेग्लेक्ट करें, कि उसके बारे में हम कुछ इस तरह से एक भावना फैलाएं कि भाई इससे जो है सबको हो जाएगा। हमें जब तक कि हम सोशल जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स को सारे फॉलो करें, क्वारंटाइन करें ध्यान से, वो सारे चीज़ें फॉलो करें, तब तक हम सुरक्षित हैं, क्योंकि इसका कोई और इलाज नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि ये सोशली हम ये भावना को हटा दें कि हम उन लोगों को नेग्लेक्ट करें, उनके आसपास बिल्कुल ना जाएं, जो घर में क्वारंटाइन है उनको भी आस पड़ोस के लोगों की मदद होती रहे, वो लोग फ़ोन पे या वीडियो कॉल के माध्यम से जो हैं उन सबसे जुड़े रहें, ताकि डीमोरलाइज ना हो लोग और ऐसा ना हो कि कल को जो पेशेंट जो है जिसकी तबीयत खराब हो रही है वो आगे को टेस्ट करवाने से कतराए, ऐसी सिचुएशन कभी ना आए। और हम सब जो है मिलके कोरोना से जो है ये जो जंग है उसको हम जीत सकें, पर हमारे जो बीमार लोग हैं उनका भी साथ में भरपूर ख्याल रखें और उनके खिलाफ कोई भी ऐसी समाज में ऐसी कोई चीजें ना सोचे ना फैलाएं। देवे हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध, उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। एनआर अस्पताल में 16 स्लाइड सिटी स्कैन मशीन, ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा शुरू। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, ENT, स्किन फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, सिटी गाइडेड बायोप्सी, सिटी एजियोग्राफी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सुविधा के साथ साथ हाईटेक OT, स्पेशल वार्ड AC रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे सुविधा, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल सुविधा। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।